जरा सोचो, पूरा अंडरवर्ल्ड एक इंसान के पीछे पड़ जाए, लेकिन वो नहीं जानते कि ये कोई आम आदमी नहीं है। मेरा नाम है विशाल, अनोखी फिल्म्स में आपका स्वागत है। और चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है रॉबर्ट मैकेल नाम के एक आदमी से जो बोस्टन में रहता था। कुछ साल पहले तक वो स्पेशल सर्विस कमांडो हुआ करता था, लेकिन फिर एक दिन उसने खुद की मौत का नाटक किया ताकि वो एक छोटे से शहर में आराम की जिंदगी बिता सके। अब वो होममार्क हार्डवेयर स्टोर में काम करते हुए एक आम आदमी की तरह जिंदगी बिता रहा था। उसी स्टोर में रॉबर्ट की दोस्ती रैल्फी नाम के एक मोटे आदमी से हुई जो डाइटिंग करके सिक्योरिटी ऑफिसर बनना चाहता था। तब रॉबर्ट ने उसे वजन कम करने के काफी टिप्स दिए। रॉबर्ट खुद भी काफी साफ सुथरा और नियम वाला आदमी था, यहाँ तक कि वो अपना हर एक काम एक एक सेकंड गिनकर करता था। शाम के समय वो हर रोज एक रेस्टोरेंट में किताब पढ़ने जाता। एक रात रॉबर्ट ने वहाँ अलीना नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखा। अलीना ने उससे थोड़ी बातचीत की और फिर रेस्टोरेंट से बाहर चली गई। अगले दिन रॉबर्ट ने फिर से अपने रोजमर्रा के काम किए, घर आकर सफाई की और अंत में रेस्टोरेंट में किताब पढ़ने पहुंच गया। जल्द ही अलीना भी एकदम तैयार होकर वहां आई और उसने अपने लिए एक बियर मंगवाई। तभी उसके बॉस का फोन आया और तब ये खुलासा होता है कि अलीना अपना कर्ज उतारने के लिए स्लावी नाम के एक आदमी के कोठे पर काम करने लगी थी। स्लावी ने उसे बताया कि एक आदमी रेस्टोरेंट के बाहर से उसे लेने आएगा और अलीना को उसके साथ रात गुजारनी होगी। अलीना थोड़ा हिचकिचा रही थी क्योंकि ये आदमी उसे मारता पीटता था, लेकिन स्लावी ने उसकी एक न सुनी और उसे धमकी देकर कहा कि अगर उसने ये काम नहीं किया तो वो उसे जान से मार देगा। अब अलीना के पास कोई चारा नहीं था, इसीलिए वो मजबूरन बाहर निकलकर उस आदमी की गाड़ी में बैठ गई। दूसरी ओर रॉबर्ट ये सब देख रहा था। फिर अगले कई दिनों तक रॉबर्ट रोज ड्यूटी के बाद रेस्टोरेंट में किताब पढ़ने जाता और वो अक्सर अलीना को वहां बैठे देखता था। एक दिन अलीना खुद उसके सामने आकर बैठ गई और तब रॉबर्ट ने देखा कि उसके चेहरे पर चोटों के कई निशान थे। फिर अलीना ने उसे बताया कि उसे स्लावी के पैसे लौटाने हैं, इसीलिए उसे ये काम करना पड़ता है, वरना वो तो बचपन से एक सिंगर बनना चाहती थी। फिर उसने रॉबर्ट को अपने गाने की सीडी भी दी, जिसे देखकर रॉबर्ट काफी खुश हुआ। काफी देर बातें करने के बाद वो दोनों पैदल ही रेस्टोरेंट से बाहर आ गए, लेकिन कुछ दूर जाते ही अचानक एक गाड़ी उनके सामने आकर रुकी और एक आदमी बाहर आया जो कोई और नहीं बल्कि स्लावी ही था। वो बड़ी बेरहमी से अलीना को पीटने लगा क्योंकि पिछली रात एक ग्राहक ने उसकी कंप्लेन की थी। ये देखकर रॉबर्ट अलीना की मदद करने आगे बढ़ा, लेकिन स्लावी कहने लगा कि उसे बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वो अलीना को उठाकर अपने साथ ले गया। फिर कई दिन तक रॉबर्ट को अलीना कहीं दिखाई नहीं दी। आखिरकार एक दिन रेस्टोरेंट के मालिक ने उसे बताया कि अलीना को बहुत बुरी तरह पीटा गया था, इसीलिए अब वो हॉस्पिटल में भर्ती है। ये सुनकर रॉबर्ट तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा और उसने देखा कि अलीना की हालत काफी नाजुक थी। तब अलीना की दोस्त मैंडी ने उसे बताया कि अलीना ने स्लावी की गुलामी करने से इनकार कर दिया था, इसीलिए स्लावी ने उसकी ये हालत कर दी। ये सुनकर रॉबर्ट को उसके लिए बहुत बुरा लगा और उसने अलीना की मदद करने का फैसला किया। इसके बाद हम स्लावी को देखते हैं जो अपने आलीशान ऑफिस में आकर लोगों से पैसे वसूल रहा था। कुछ ही देर में रॉबर्ट वहां आया और उसने स्लावी को कुछ पैसे देकर बदले में अलीना की आजादी की मांग की, लेकिन स्लावी ने इससे साफ इनकार कर दिया क्योंकि अलीना से काम करवाकर वो लाखों डॉलर छाप रहा था। स्लावी का जवाब सुनकर रॉबर्ट चुपचाप पैसे उठाकर बाहर की ओर चल पड़ा, लेकिन वो ऑफिस से बाहर नहीं निकला बल्कि उसने दरवाजा बंद किया और फिर स्लावी और उसके आदमियों की तरफ मुड़ गया। उसने चारों ओर नजर दौड़ाकर हिसाब लगाया कि इस कमरे में मौजूद सभी लोगों को मारने में उसे कुल 16 सेकंड का वक्त लगेगा। फिर रॉबर्ट ने एक एक करके बड़ी बेरहमी से सभी गुंडों को मौत के घाट उतार दिया। अंत में स्लावी की बारी थी और वो गिड़गिड़ाता हुआ रॉबर्ट से अपनी जान की भीख मांगने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। स्लावी को खत्म करके रॉबर्ट आराम से अपने घर लौट आया और अगले कुछ दिन तक एक आम जिंदगी जीता रहा। फिर एक दिन उसने टीवी पर स्लावी की गैंग की हत्या की खबर देखी, जिसमें पुलिस का मानना था कि इस सब के पीछे जरूर किसी खूंखार गैंग का हाथ है। इसके बाद हम टेडी रैंसन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अभी अभी यूएस आया था। उसे स्लावी के बॉस व्लादिमीर पुश्किन ने स्लावी के कातिल का पता लगाकर उसे मारने के लिए भेजा था। टेडी खुद पहले पुलिस की स्पेशल फोर्सेस में था, इसीलिए वो स्लावी के ऑफिस की हालत देखते ही समझ गया कि ये किसी आम आदमी का काम नहीं है। ये सब किसी ऐसे आदमी ने किया है जिसे इंसानी शरीर को जल्द से जल्द मारने की ट्रेनिंग मिली हो। उधर रॉबर्ट अपने दोस्त रैल्फी से मिला तो पता चला कि रैल्फी नौकरी छोड़ रहा था। असल में कुछ करप्ट पुलिस वाले उसकी माँ से दुकान का हफ्ता मांगते थे, लेकिन इस बार जब उसकी माँ ने पैसे देने से मना कर दिया तो उन पुलिस वालों ने उनकी दुकान ही जला दी।
आखिरकार अब रैल्फी नौकरी छोड़कर अपनी माँ की दुकान में मदद करने जा रहा था। ये सुनकर रॉबर्ट को बहुत गुस्सा आया और एक रात उसने चुपके से उन पुलिस वालों की हफ्ता वसूलते हुए वीडियो बना ली। इसके बाद उसने उन्हें ये वीडियो दिखाकर उनके खिलाफ शिकायत करने की धमकी दी, तो पुलिस वाले गुस्से में आकर उसे ही पीटने लगे। लेकिन जब रॉबर्ट को गुस्सा आया तो उसने कुछ ही पलों में उनकी हड्डी पसली एक कर दी। आखिरकार उन पुलिस वालों ने हाथ जोड़ लिए और खुद सबके पैसे वापस लौटाने का वादा किया। इसी के साथ रैल्फी काम पर वापस लौट आया, जिससे रॉबर्ट को काफी खुशी मिली। उधर टेडी एक एक करके स्लावी के साथ धंधा करने वाले गैंगस्टर्स से स्लावी के हत्यारे के बारे में पूछताछ कर रहा था, लेकिन कहीं से भी कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद जब उसने स्लावी के लिए काम करने वाली लड़कियों से बात की तो पता चला कि स्लावी और अलीना के बीच थोड़ी अनबन चल रही थी। अब टेडी सीधा मैंडी के पास पहुंचा और उससे अलीना और स्लावी के झगड़े के बारे में पूछा। तब मैंडी ने उसे एक काले आदमी के बारे में बताया जो हॉस्पिटल में अलीना से मिलने आया था। सारी जानकारी मिलने के बाद टेडी ने मैंडी को मार दिया और फिर हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज देखने पहुंचा। उसे सिर्फ एक धुंधली तस्वीर दिखाई दी, लेकिन वो समझ गया कि यही स्लावी का हत्यारा है। उधर एक दिन रॉबर्ट अपनी ड्यूटी कर रहा था कि अचानक एक चोर बंदूक की नोक पर कैशियर से पैसे मांगने लगा। उस वक्त स्टोर में कई दूसरे लोग और बच्चे भी थे, इसीलिए रॉबर्ट शांत रहा। मौके का फायदा उठाकर चोर सारा पैसा और कैशियर की अंगूठी तक लूट कर भाग निकला। लेकिन रॉबर्ट ने तुरंत उसकी गाड़ी का नंबर याद कर लिया। फिर अगले दिन उस कैशियर ने देखा कि जो अंगूठी कल चोरी हुई थी वो आज वापस से लॉकर में पड़ी थी। वहीं हम देखते हैं कि रॉबर्ट अपना हथौड़ा साफ करके वापस रख रहा था, जिसकी मदद से उसने कल चोर को सबक सिखाया था। खैर, फिर रात को अचानक टेडी एक पुलिस वाले के भेस में रॉबर्ट के घर आ पहुंचा। उसने कहा कि वो स्लावी के मर्डर की जांच कर रहा है। फिर उसने रॉबर्ट से पूछा कि वो स्लावी की हत्या वाले दिन कहां था। लेकिन रॉबर्ट को भी ऐसे हालातों का सामना करने की ट्रेनिंग मिली हुई थी, इसीलिए उसने बड़ी शांति से सभी सवालों के जवाब दिए। पूछताछ के बाद टेडी वहां से चला गया, लेकिन टेडी और रॉबर्ट दोनों जानते थे कि सब कुछ झूठ है। रॉबर्ट समझ गया था कि टेडी कोई पुलिस वाला नहीं है, और वहीं टेडी को पूरा यकीन हो गया था कि रॉबर्ट ही स्लावी का हत्यारा है। रॉबर्ट जानता था कि अब रशियन माफिया उसके पीछे है, इसीलिए उसने तुरंत अपना सामान बांधा और घर छोड़कर निकल गया। उधर टेडी ने रॉबर्ट पर हमला करने के लिए रेस्टोरेंट में अपने गुंडे भेजे, लेकिन रॉबर्ट ने चुटकियों में उन सब की बत्ती गुल कर दी। जैसे ही वो रेस्टोरेंट से बाहर निकला तो उसने बाहर टेडी को अपनी गाड़ी में देखा और तुरंत उसकी तस्वीर खींच ली। अब टेडी और उसके आदमी रॉबर्ट का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच गए, लेकिन वहां तो कोई भी नहीं था। फिर उन्होंने सबूत के लिए घर की छानबीन की, लेकिन कुछ ड्रग्स और फटी हुई टिकटों के अलावा टेडी के हाथ कुछ नहीं लगा। वहीं रॉबर्ट कहीं छुप कर एक कैमरा के जरिए टेडी की सारी हरकतें देख रहा था। इसके बाद वो अपनी दोस्त सूजन से मिलने गया, जो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी में काम करती थी। सूजन ने अपने सूत्रों से पता लगाया कि व्लादिमीर पुश्किन रशिया का सबसे बड़ा माफिया डॉन है। उसके बारे में पूरी जानकारी लेकर रॉबर्ट वहां से चला गया। बाद में सूजन ने अपने पति को बताया कि रॉबर्ट मदद मांगने के लिए नहीं बल्कि इजाजत मांगने के लिए आया था। असल में वो पुश्किन के पूरे माफिया को तबाह करने जा रहा था। अब रॉबर्ट सीधा पुश्किन के अड्डे पर पहुंचा, जहां करोड़ों का काला धन मौजूद था। उसने बड़ी आसानी से सभी गुंडों को बांध कर एक ठंडे कमरे में बंद कर दिया और फिर पुलिस को फोन करके पुश्किन के सारे काले धंधों का सबूत एक पेन ड्राइव में उनके हवाले कर दिया। इसके बाद हम टेडी को देखते हैं, जो एक महंगे रेस्टोरेंट में एक आदमी से बात कर रहा था। ये आदमी एक सीरियल किलर था, जिसे टेडी ने रॉबर्ट के कत्ल का मिशन सौंपा था। लेकिन उस आदमी के जाने के कुछ पल बाद ही अचानक रॉबर्ट वहां आकर टेडी के सामने बैठ गया। उसने आराम से किलर के खून से सना चश्मा टेडी के सामने रख दिया। फिर रॉबर्ट ने कहा कि मेरा पीछा छोड़ दे, वरना तेरे बॉस पुश्किन का नामो निशान मिटा दूंगा। इसके बाद रॉबर्ट ने मजे मजे में पुश्किन के सारे ऑयल टैंकर्स में आग लगा दी, जिससे पुश्किन का यूएस का सारा धंधा तबाह हो गया। जब टेडी को इसकी खबर मिली तो उसने पीछे हटने की बजाय रॉबर्ट को खुद मारने का फैसला किया। उसने अपने गुंडों के साथ स्टोर में रॉबर्ट के साथ काम करने वाले कई लोगों को अगवा कर लिया। फिर उसने रॉबर्ट को फोन करके धमकी दी कि अगर वो स्टोर पर नहीं आया तो उसके सारे साथी जान से हाथ धो बैठेंगे। लेकिन रॉबर्ट शायद पहले से जानता था कि टेडी ऐसा कुछ जरूर करेगा, इसीलिए वो किसी तरह स्टोर के कंट्रोल रूम तक पहुंच गया और वहां के लाउडस्पीकर्स की मदद से टेडी के मुस्टंडों का ध्यान भटकाने लगा। इसके बाद उसने बड़ी आसानी से टेडी के आदमियों को ठिकाने लगाया और जैसे तैसे रैल्फी को उनके चंगुल से छुड़ा लिया। फिर उसने रैल्फी से कहा कि वो अपने साथियों को पीछे के दरवाजे से सुरक्षित बाहर ले जाए।
आखिरकार सबको बाहर भेजकर रॉबर्ट ने अचानक पूरे स्टोर की बत्ती गुल कर दी। फिर उसने स्टोर में मौजूद औजार उठाए और एक एक करके टेडी के गुंडों को ऊपर पहुंचा दिया। आखिर में उसने एक बंदूक से टेडी को भी मार डाला। इसके 3 दिन बाद वो सीधा मॉस्को में पुश्किन की हवेली पर पहुंचा। उसने बड़ी आसानी से हवेली के सारे गार्ड्स को खत्म कर दिया और फिर बड़ी चालाकी से पुश्किन के बाथरूम में बिजली छोड़ दी। इस तरह जब पुश्किन बाथरूम में नहाने गया तो तड़प तड़प कर मर गया। पुश्किन की मौत के बाद दुनिया भर में उसके सारे काले धंधों का पर्दाफाश हो गया और आखिरकार रॉबर्ट US वापस लौट आया। फिर कुछ समय बाद जब अलीना के जख्म भर गए तो वो रॉबर्ट से मिलने आई। उसने कहा कि वो स्लावी से आजाद होकर अब एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रही है। ये सोचकर कि वो ताकतवर लोगों को कमजोरों का फायदा उठाने से रोक सकता है, रॉबर्ट ने उस दिन से द इक्वलाइजर के नाम से काम करना शुरू कर दिया। अब वो छिपकर मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करने लगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।